हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वाटर कलर नेचर सीनरी के बारे में बता रही हूँ और करके भी दिखा रही हूँ। वाटर कलर नेचर सीनरी के लिए सबसे पहले हम स्काई में कलर करेंगे। पर्शियन ब्लू से पानी लेकर उसे फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे धीरे धीरे और सूखने देंगे। ऊपर की ओर थोड़ा डार्क करेंगे, जैसा क्लाउड शेप देंगे। अब ऑकर येलो लेकर सनराइज या सनसेट का जो कलर होता है वो देंगे। फिर थोड़ा लेमन येलो मिक्स करेंगे। और उसे फैलाएंगे। थोड़ा ऑरेंज करेंगे। अब थोड़ा स्काई हल्का ड्राई हो गया है तो फिर थोड़ा उसे डार्क कलर लाने के लिए थोड़ा और ब्लू करेंगे, पर्शियन ब्लू। अब सी सीनरी के लिए थोड़ा पर्पल लेंगे। रेड और ब्लू को मिक्स करने से पर्पल कलर बन जाएगा। अब थोड़ा पर्पल कलर देकर सी का शेप देंगे और नीचे फिर येलो करेंगे, ऑकर और लेमन। अब थोड़ा सैप ग्रीन और डार्क ग्रीन लेंगे और उससे बूसेस बनाएंगे और ग्रासेस बनाएंगे, कलर करेंगे। और ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वाटर कलर हमेशा स्लो ही करना चाहिए। जब एक कोट सूख जाए तभी दूसरी कोट को करना चाहिए, वरना ये पूरा ही ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। एक लेयर करने के बाद उसका हम इंतज़ार करेंगे सेकंड लेयर करने के लिए, वरना हमारी ड्राइंग निकल कर नहीं आएगी। अब हमारा एक कोट सूख गया, अब हमें इसे सेकंड कोट करना है। फिर से ऊपर डार्क ब्लू करेंगे सेकंड कोट के लिए, हल्का क्लाउड का शेप देंगे। और अब ग्रास को डार्क करेंगे, ग्रासेस का शेप निकालेंगे। अब ग्रासेस हम निकाल लेंगे। हल्का जहाँ जहाँ हमने लाइट ग्रीन कलर किया था वहाँ अब थोड़ा शेप निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड कोड में हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी ड्राइंग है अब उसे फाइनलाइज करें, तो सही शेप में निकालें। अब कोकोनट ट्री ड्रॉ करेंगे। ये मैं डायरेक्ट ब्रश से ही कर रही हूँ, अगर आप नहीं कर पाए तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ब्रश से ही कर रही हूँ। कोकोनट ट्री डायरेक्ट ही मैं ब्रश से बना रही हूँ। देखिए पहले डंडियाँ निकाल लेनी है, फिर अभी इसे लीफ का शेप देना है। ब्लू ग्रीन में मैंने हल्का सा ब्लू और हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स किया है। ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा कलर है। दूसरा कलर लेते हैं।
सेम जैसे मैंने पहले ही वाले कोकोनट ट्री को बनाया है सेम वैसे ही दूसरे कोकोनट ट्री को बनाया है। देखिए कोकोनट ट्री का लीव्स सेम जैसे मैंने पहले वाले को बनाया है सेम वैसे ही मैं दूसरे वाले कोकोनट ट्री को कर रही हूँ। बस पहले वाले से दूसरा वाला थोड़ा टॉल किया है सुंदर दिखने के लिए। झाड़ी जैसी दिखनी चाहिए, आप कितने भी लीव्स बना सकते हैं। अब सी को थोड़ा डार्क करना है। ऑरेंज कलर लेकर सर के आसपास का हिस्सा बना लें। और फाइनल कोड में हम यही देखेंगे कि हमें कितने ब्रश का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट कोड में हम 9 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे, सेकंड नंबर में 5 नंबर का और थर्ड नंबर कोड में हम 3 या 4 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। मैं तो वोटर ब्रश से भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपकी सुविधा नहीं हो, आपको अगर कंफर्टेबल ना लगे वो ब्रश, तो आप इस हिसाब से फर्स्ट में 9, सेकंड में 5 और थर्ड में 3 या 4 नंबर के ब्रश को यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि हमारी नीचे सीजी रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप आगे किसी ऐसे ही कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लास्ट में थोड़ा फिनिशिंग टच देने के लिए बर्ड्स ड्रॉ कर दे रही हूँ, क्योंकि सीनरी में अगर वर्ड्स ना हो तो थोड़ा ओरिजिनल नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।